और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। बजट में प्रोविजन करके अलग से कोई योजना नहीं बना सकते, तो आपको ये बीमारी का पता चलना चाहिए, उसी का एक मैकेनिज्म है कि आप जो है जातिगत जनगणना जो है वो कराएं। अभी भी आप लोग देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या है गरीबों की। आखिर ये लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं, कौन है? जब जातिगत जनगणना होगी तो लोगों के लिए अलग से योजना बनेगी, जो पिछड़े हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उन समाज के लिए, उसके उन्नति के लिए, उत्थान के लिए। वैसे समाज के लिए कई बार जो है नौकरियां भी बढ़ेंगी, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, आर्थिक स्थिति भी उनका सुधार होगा, गरीबी से भी उभार पाएंगे। अब तक जो है उस पर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती है, तो लोगों का सब्र तो टूटेगा ना भाई। लोग जो जनप्रतिनिधि जो लोग चुन करके आते हैं, जिनको जनता भेजती है, उनसे तो जनता सवाल करेगी ना। जब उन जनप्रतिनिधि का मान सम्मान और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई पहली बार नहीं, पहले भी पूर्व में भी हुई है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे किया। जातिगत जनगणना को लेकर के आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम लोगों की मांग रही है शुरुआत से ही, इसी विषय पे आज हम लोग करने जा रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों ने संघर्ष किया और बिहार विधानसभा में एक बार नहीं बल्कि दो बार सर्वसम्मति से सभी दल इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी भी विधानसभा से प्रस्ताव दो बारी जो है केंद्र सरकार को भेजने का काम किया गया, एक बार नहीं बल्कि दो बार। पिछले मॉनसून सत्र में आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिना भेदभाव के, बिना मतभेद के हम लोगों की मांग थी कि भाई जब दो बार बिहार विधानसभा से पारित हो चुका है जातिगत जनगणना को लेकर के, भले ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी बिहार के जितने भी दल विधानसभा में जिन लोगों ने पारित किया, एक कमेटी बना करके प्रधानमंत्री जी से मिलने हम लोग चलें और जातिगत जनगणना की मांग जो रही है उसको जो है उंगली जामा हम लोग पहनाने का काम करें। हम लोग पिछली बार मॉनसून सत्र में हम खुद स्वयं सभी विपक्षी दलों के साथ, चाहे लेफ्ट पार्टियां हों, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी, हम सभी जितने नेता थे मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिले और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आश्वासन दिया कि आपके मांग पे हम जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगेंगे। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग जो है एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला। हमारी दूसरी ये भी मांग थी कि अगर केंद्र सरकार मना करती है तो राज्य सरकार, जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने तर्ज पर जातिगत जनगणना कराई है, उसी तर्ज पे बिहार सरकार भी ऐलान करे कि वो जातिगत जनगणना जो है वो कराने का काम करे। प्रधानमंत्री जी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार ने सबसे ज़्यादा
40 में से 39 सीटें जो हैं वो एनडीए को देने का काम किया, यानी लगभग सारी सीटें जिस राज ने एनडीए सरकार को देने का काम किया उस राज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रहे, ये नीतीश जी समझें। लेकिन हम सब लोग चाहते थे कि हम लोग सब लोग जाएं, अब तो विलंब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है पार्लियामेंट में भी एक सवाल पूछा गया जहां केंद्र सरकार ने जवाब दिया है जातिगत जनगणना को लेकर के। ये श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी ने, जो एमपी हैं यूपी से आते हैं, उन्होंने सवाल पूछा पार्लियामेंट में। इसमें साफ तौर पे केंद्र सरकार ने जवाब दिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड नॉट टू एन्यूमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन विद अदर देन एससीज एंड एसटीज इन सेंसेस एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी साफ तौर पे जो है केंद्र सरकार जो है मना करती है पार्लियामेंट में, सदन में, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पॉलिसी के चक्कर में हम जो है कास्ट सेंसेस जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में एक और सवाल पूछा गया, जितने पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके बैकलॉग के सवाल पर। ये लगभग जो है 50% उनका बैकलॉग जो है वो खाली है। जातिगत जनगणना जब हम कराने की मांग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जात पात की राजनीति कर रहे हैं। आप समझिए कि ये पिछड़ेपन का जो बीमारी है, जो गरीबी की जो बीमारी है, पिछड़ेपन की जो बीमारी है, जो अंतिम पैदान पे जो सोसाइटी समाज हमारा खड़ा है, ये उसकी उन्नति और उत्थान के लिए आपको सही में आपको जानना पड़ेगा। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए आपको बीमारी का पता करना पड़ेगा। तो ये जो कास्ट सेंसेस है, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जो है भीख मांगने वाला है, कौन जो है ठेला चलाने वाला है, कौन जो है नाला साफ करने वाला है, कौन जो है एक कमरे में जिसका पूरा परिवार बसर करता है, ये जब तक हम लोगों को नहीं पता चलेगा किसके परिवार के लोग 51% जो है दिहाड़ी मजदूर हैं, तब तक हम उनके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए हम कोई भी बजट से, कोई भी अलग से एलोकेट करके, बजट में प्रोविजन करके अलग से कोई योजना नहीं बना सकते। तो आपको ये बीमारी का पता चलना चाहिए, उसी का एक मैकेनिज्म है कि आप जो है जातिगत जनगणना जो है वो कराएं। अभी भी आप लोग देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या है गरीबों की। आखिर ये लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं, कौन है? आदरणीय लालू जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी के मांग पर आप लोगों को भी पता है कि आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय जनगणना कराने की जो मांग पार्लियामेंट में लोगों ने किया था वो हुई, लेकिन पब्लिसाइज नहीं हुई। हम लोगों की मांग है कि भाई जाति जनगणना हो और उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाए। और हम लोग इसी दौरान में, क्योंकि एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। ये चिट्ठी जो है आप लोगों को मोबाइल में जो है हम पहुंचवा देंगे, आप लोग उसमें सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमको ये उम्मीद और आशा है कि कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो ये लड़ाई जो है, जो मांग जो है, जो देश हित में है, राजहित में है, जनहित में है, इस पे, क्योंकि दोनों जगह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, करना इन्हीं लोगों को है। इसीलिए हम बिना भेदभाव के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जा करके उनके कक्ष में बिहार विधानसभा के सभी नेता
विरोधी दल जितने लोग हैं सब लोगों के साथ जाकर के मिले कि भैया आप समय लीजिए, आपके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। तो कहीं ना कहीं से अगर एक हफ्ते से समय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हम ट्वीट हैंडल देखते हैं तो लगातार औरों से मिलने का समय है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण इशू पर अगर उनको नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार विधानसभा के जितने दल हैं उनके नेताओं का एक डेलीगेशन मिलना चाहता है, अगर नहीं मिल पा रहे तो कहीं ना कहीं से जो है ये ज़्यादा हम नहीं बता सकते, लेकिन अब तक तो समय मिल जाना चाहिए। तो इसमें हम चिट्ठी लिख करके उनसे फिर से हमने अपील की है, गुहार की है कि भाई ये जो समय जो है ये हम लोगों को मिलना चाहिए। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी लगातार कई बार, एक बार नहीं कई बार सड़कों पर भी उतर करके जातिगत जनगणना की जो है वो मांग उन्होंने की थी और इसकी शुरुआत की थी। तो आज हम इसी सिलसिले में सोचे कि आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिंदु पर जो है हम लोग चर्चा करें। और ये जब जातिगत जनगणना होगी तो लोगों के लिए अलग से योजना बनेगी, जो पिछड़े हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उन समाज के लिए, उसके उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, वैसे समाज के लिए कई बार जो है नौकरियां भी बढ़ेंगी, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, आर्थिक स्थिति भी उनका सुधार होगा, गरीबी से भी उभार पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए। अभी कोई भी बिल बना दे, कोई भी बिल पास कर दे, राज्य सरकार पे थोप दे कि किसी को भी ओबीसी वगैरह में आप ला सकते हैं, केंद्र सरकार ने जो नया पास किया है कि राज्यों पर छोड़ दिया कि किस जाति को जो है ओबीसी में लाना है, लेकिन इससे अगर आप ला रहे हैं, अगर एक कमरा केवल चार लोगों के लिए बना है, आप उसमें 15 लोगों को डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी मांग है कि इस संख्या जो 27% का है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जो बैकलॉग जो रहा है उस बैकलॉग को भी भरने की ज़रूरत है, जो हमारा अधिकार बनता है, हक बनता है, आखिर खाली है तो इसका नुकसान तो हो ही रहा है, इस नुकसान का भरपाई कौन करेगा। इसलिए केवल कानून बनाने से नहीं होगा, असल में ये काम सबसे ईमानदारी से अगर हम बताएं तो ये सभी सफल हो पाएगा जब जातिगत जनगणना हो पाएगी, जब असली पिक्चर आपके सामने आएगा तभी जो है चीज़ें सफल हो सकती है, वरना कितने भी कानून बना दिया जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बोलने से क्या फर्क पड़ता है, सदन में तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से पास किया ना, एक बार नहीं दो बार। तो हम तो उसी चीज को हम बोल रहे हैं कि भाई जब सर्वसम्मति से जब पास हो ही गया है, प्रस्ताव हम लोगों ने भेज ही दिया है, तो प्रधानमंत्री जी से मिल करके बता दें भाई, हम लोग कम से कम मिलकर मांग तो कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री जी से। अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रधानमंत्री जी मना कर देते हैं तो उसके बाद तो कोई उपाय बचता नहीं है, उसके बाद तो यही उपाय बचेगा, हम तो सबसे मांग करेंगे सभी दलों से कि जंतर मंतर पर चल करके बैठ जाया जाए, वहाँ आंदोलन हम लोग किया जाए। नहीं तो राज्य सरकार जो है, कर्नाटका सरकार ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को जानकारी थी नहीं, उन्होंने कहा कि हम आप ही का सुन करके कर्नाटका का हम मंगाए हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी मुख्यमंत्री जी को जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अगर जो भी कर्नाटका में जैसे उन लोगों ने कराया है, जो भी इसके लिए ज़रूरत होगी वो भी हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें तो निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है कि बिहार विधानसभा अगर दो बार पारित करता है तो क्या अहमियत रहेगी बिहार विधानसभा की।
अगर प्रधानमंत्री जी मिलने का समय तक नहीं देते हैं तो आप समझ जाइए जो एनडीए के पार्टनर हैं, और हमको लगता है कि पूरे उत्तर बिहार में सबसे बड़े अगर कोई पार्टनर हैं एनडीए के तो वो नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी की ऐसी अगर बेइज्जती होगी, जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने का समय प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ सारा बिहार विधानसभा का डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जी की क्या पूछ है केंद्र सरकार में। आप देखिए ना, आप प्रधानमंत्री जी का एक बार ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए, जो हर किसी से मिल रहे हैं। ये 4 तारीख से लगातार मुख्यमंत्री जी समय मांग रहे हैं, लिखा भी गया है, चिट्ठी भी लिखा गया, कौन कौन लोग जाएंगे इसका भी नाम भेज दिया गया है, फिर भी अगर समय नहीं मिल रहा है। एक होता ना कि भाई फलना तारीख को मिलेंगे, वो भी तो नहीं बताया गया कि 1 महीने बाद मिलेंगे या 10 दिन बाद मिलेंगे या 15 दिन बाद मिलेंगे, ये तक अब तक सूचित नहीं किया गया। नहीं, धरना तो वो तो बाद में अगर कोई विकल्प नहीं है तो हम तो भाई जाहिर सी बात है, अगर बिहार विधानसभा से कोई चीज सर्वसम्मति सर्वदलीय पास हुआ है तो जाहिर सी बात है हम तो बैठेंगे सब लोगों को बैठना चाहिए। नहीं देखिए, किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों की मांग को लेकर के कुछ लोगों ने जो है अपनी मांग को मजबूती के साथ रखने की कोशिश की, और किसानों का तो एक मांग तो बड़ा जायज है भाई कि MSP तो होना ही चाहिए, और अब तक जो है उस पर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती है तो लोगों का सब्र तो टूटेगा ना भाई। लोग जो जनप्रतिनिधि जो लोग चुन करके आते हैं जिनको जनता भेजती है उनसे तो जनता सवाल करेगी ना, जब उन जनप्रतिनिधि का मान सम्मान और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई पहली बार नहीं, पहले भी पूर्व में भी हुई है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे किया। आप कम से कम किसानों से बात तो कीजिए, उनको भरोसा तो दिलाइए, करो बाहर के किसान थोड़ी ना आप ही के देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, उन्हीं के बदौलत हम लोग जो है पेट भरते हैं। अगर जो पेट आप जिस जो व्यक्ति जो लोग आपका पेट भरते हैं आप उसका नहीं सुन रहे हैं तो आप तो किसी का नहीं सुनिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।